मुंबई के चारकोप विधानसभा के मनसे उम्मीदवार दिनेश सालवी के प्रचार करने और कार्यकर्ताओं से मिलने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे। इस दौरान राज ठाकरे का दिनेश सालवी सहित लोगों ने शानदार स्वागत किया। राज ठाकरे ने चारकोप विधानसभा के मतदाताओं और मनसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दिनेश सालवी को भारी मत से विजय बनाने की अपील की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, ये जो 15 साल से यहाँ पे सत्ताधारी का जो विधायक बैठा हुआ है, इसने 15 साल में कुछ भी चारकोप में किया नहीं है। ये तो चारकोप में आज मैं घूम रहा था प्रचार के दरमियान, चारकोप गांव सेक्टर 1 सेक्टर 2, यहाँ के लोगों से जब मैं डोर टू डोर मिल रहा था तो सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई कि शमशान भूमि नहीं है। देश को आज़ादी मिलके 75 साल हो गया, अभी भी वहाँ शमशान भूमि नहीं है। लोगों को 3 किलोमीटर लंबा धानुकरवाड़ी पे आना पड़ता है। तो ये 15 साल से कर क्या रहा था। दूसरी समस्या ये पानी की समस्या, बेवक्त पानी आता है लोगों को। आज औरत मर्द दोनों साथ में काम नहीं करेगा तो घर नहीं चलता, ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे वक्त में अगर बेवक्त पानी आएगा, पानी कम आ रहा है तो उसका क्या है। तो इन्होंने कुछ ऐसा लोगों की सेवा के लिए कुछ किया नहीं, ऐसा वहाँ पे नजर आया। फिर उसके थोड़ा आगे आया मैं एक गणेश नगर गांधीनगर में, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हुई कि स्लम भाग में SRA के माध्यम से विकास का काम चालू है, लेकिन यहाँ पे जो झोपड़पुर स्लम है उसके अंदर छोटे छोटे कारखाने हैं। SRA में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई ये कारखाने टिके, ये लघु उद्योग टिके, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आज ये लोग बोलते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये तो भावनाओं से खेले, कुछ देने वाले तो नहीं है, आई वो प्रोजेक्ट लेके गए। लेकिन भाई है वो हमारी जगह, आज वो भी जाने आई है, क्योंकि SRA माध्यम से जो विकास हो रहा है उसके अंदर जो कंपनी चला रहा है उसको गाला मिलेगा, उसका खुद का धंधा भी मर जाएगा और उसके पास काम करने वाले 10-15 लोग वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारा है कि सबसे पहले जो SRA से माध्यम डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे जो लघु उद्योग है वो जिंदा रहने के लिए वहाँ पे ऐसा कोई नियम लाना चाहिए, और वो लाने क्योंकि कंपनियाँ यहाँ टिके, वो लोग का रोजगार यहाँ पे टिके। उसके बाद और समस्या सामने आई है सबसे बड़ी कि रोजगार लाने की बात करें 2 करोड़, लेकिन हमारे लोग वो तो लाए नहीं है, लेकिन हमारे चारकोप के लिए ऐसी है कि रोजगार लाने की दूसरी जरूरत नहीं है। चारकोप से सबसे बड़ी पहचान, जब हम लोग, मैं पैदा जन्म मेरा इधर हुआ है, आज भी ये लोग बाहर के ही है, मलाड के विधानसभा के, 15 साल से जीत रहा है लेकिन अभी भी उसको लग नहीं रहा है कि मैं चारकोप ने जीता है तो चारकोप का बन जाओ, तो ये चारकोप का कहाँ से होने वाला है। आज यहाँ के सबसे बड़ी ये है कि जब हम लोग पहले स्कूल से बाहर दूसरी जगह जाते थे पूछते कहाँ रहते, तो लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं चारकोप में, सीधा लोग बोलते चारकोप इंडस्ट्रियल स्टेट में रहते हो, औद्योगिक वसाहत में रहते हो, ऐसी हमारी चारकोप की पहचान थी। क्योंकि 1964-67 में ये कंपनियाँ बनी थी, ये 350 के ऊपर कंपनियाँ हैं, यहाँ पे 3-3 शिफ्ट में काम चल रहा था, लगभग 2-2.5 लाख लोग काम करते थे, 2-2.5 लाख परिवार ये चारकोप की कंपनी से चल रहा था, लेकिन कंपनियाँ बंद हो रही है। उधर डिबेट में TV9 के मैं बोला उधर, तो बोलते बीजेपी वाला बोला कंपनी हमने थोड़ी बनाई, अरे कंपनी तुमने नहीं बनाई मान्य है, लेकिन कंपनियां जो बंद हो रही है वो टिकाने का काम तुम्हारा है ना, रोजगार टिके रहे इस पे तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन देना नहीं है। आज वो कंपनियां क्यों बंद हो रही है उनको कंपनी वाले से कभी पूछा आप लोग ने, भाई क्यों बंद करके शिफ्ट हो रहे हो, कि तुम्हारे वजह से अगर इधर कंपनियां नहीं चलेगी तो लोग और बेरोजगार हो। लेकिन इनको करना कुछ नहीं है, इलेक्शन आया तो खाली झूठे झूठे आश्वासन देना, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया दूंगा, और 15 लाख रुपया भी देने से पता है लोग अब कुछ होने वाला नहीं है, तो 15 लाख के जगह पे 1500 रुपया लड़की बहन के नाम से दिया जा रहा है। मैं उस पर भी कहूँगा कि 1500 रुपया लेके देश को कर्जा में डालना, ऐसा किस कौन बैंक को अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी गरज है, उसकी जरूरत है, घर नहीं चल रहा है इसलिए वो ले रही है। हमारा राज साहब क्या बोलते हैं, 1500 से अच्छा 15000 का रोजगार मैं महिलाओं को दूंगा, महिलाओं को इस तरीके से सक्षम करूंगा कि उनको लगना चाहिए राज्य की तरक्की में उनका भी सहयोग है, योगदान है, इस तरीके से महिला को सक्षम करेंगे कि रोजगार उनको देंगे, ये ऐसा नहीं है। तो ये सब बातें खाली ये लोग आए, चुनाव आए तो चुनाव के पहले दिखा देंगे रोड गली सोसाइटी में लादी बिठाना, और भाई साहब दिखाते हैं कि जैसे कि भाई ये हम लोग नहीं जीते तो भाई तुम ये काम होने वाला नहीं है। अरे भाई जो भी आमदार बनता है उसको फंड पास होता है उसके क्षेत्र का विकास करने के लिए, और ये पास हुआ है वो काम पूरा ही होने वाला है। और कल हम आमदार बने तो क्या हमको भी फंड आने वाला है, वो क्या लोगों में बांट के काम नहीं करेंगे, इनके जैसा इंतजार नहीं करूंगा दूसरा इलेक्शन आने तक का कि लोगों को डराने के लिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, लोग हमको साहब ने यही सिखाया है
जहां भी अन्याय दिखे वहां तुम लोग जाना चाहिए, उसको न्याय मिलान। तो इस तरीके से हमने काम किया है। आज मैं जा रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं बहुत से डोर टू डोर जाने का कोशिश किया, लेकिन अभी कल का दिन बचा है, बहुत जगह मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। लेकिन यहाँ की जो समस्या है, मैं पैदा इधर हुआ हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं आपकी आवाज बन के विधान भवन में जाऊंगा, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाऊंगा। बस आप लोगों इतना याद रखो, ये 20 तारीख को एक नंबर बटन है मेरा रेलवे इंजन का, यहाँ का बटन दबा के आप मुझे आशीर्वाद दो। मैं आपको बोलता हूँ, आप जो आज मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो मेरे को वोट करोगे, ये आपके लिए भविष्य की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रहेगी। आपको जब भी जरूरत पड़े तो आपको याद आएगा, नहीं मेरा भाई है, वहां से मैं निराश नहीं जाऊंगा। अरे इससे पहले मैंने कांग्रेस वालों को पूछा हो कि जो है उसको कोई पहचानता तो है क्या, कहीं से भी किसी को लाके बिठा देगा भाई लड़ो, ऐसे हाल है इनके, तो उनको तो कोई पहचानता नहीं है, तो बाकी का वोट क्या वो बात करेगा। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, लोगों के साथ खेला हूँ। सबसे बड़ा का आज आमदार खासदार क्यों चुना जाता है कि वक्त पे काम आए, सबसे बड़े जब संकट आए तो काम आए। सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी का काल, कहाँ थे ये लोग, रस्ते पे मन से उतरी थी। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बिल कम करने के लिए कोकिला बहन में एक औरत ने 7.5 लाख रुपया भरा था, अपने आदमी का इलाज करा था और मर गया, 9.25 लाख रुपए के लिए डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। मैं गया सवेरे 11 बजे, रात को 11 बजे झगड़ा करते हुए, वो 1 रुपया भी नहीं देता, 9.25 लाख रुपये में से डेड बॉडी उसके परिवार के ताबे में दिया। 9.25 लाख रुपये कोई मायने रखता है? आज शताब्दी हॉस्पिटल बगल में ही है, बेड नहीं मिलता था जगह पे, कैजुअलिटी वार्ड में आदमी मर गया है। पता चलते ही मैंने मेरे ऑफिस में ऑक्सीजन बाटले और 2 गाड़ियां ऐसी बनाई कि जब तक बेड नहीं मिला है तब तक ऑक्सीजन की सुविधा वो गाड़ी में मिलेगी बेड हॉस्पिटल जाने तक। उसके बाद पता चला कि शताब्दी हॉस्पिटल में जो कैंटीन है उसके ऊपर एक वार्ड ऐसा है जिसके अंदर 38 बेड है, जिसमें 15 ऑक्सीजन बेड सुविधा वाले बेड है और 23 नॉर्मल बेड है, और ये लोग ने मानसून के नाम पर लॉक करके लगाए कि महिलाओं के लिए। जब अरे इधर बेड नहीं है, आदमी मर रहे हैं, तो महिलाओं को तो चलेगा, लेकिन उपचार भाई जगह पे ताला खोल के वहां पे उपचार चालू किया। ये काम किसका था? आमदार का। इसका दिवाली के टाइम कोरोना काल में लोगों की नौकरी गए, ये लोग ने 850 लोगों का मीटर कटिंग किया था इलेक्ट्रिसिटी वाले ने, हम लोगों ने वो लोग दिया आंदोलन, जगह पे बैठ के आंदोलन किया। अधिकारी बोले हमको इलेक्ट्रिसिटी वाले कि तुम आओ हमारे ऑफिस में बात करो, हम बोला नहीं, रात भर से लोग रस्ते पे है, हम भी रस्ते में बैठेंगे, तुम भी रस्ते में बैठ के हमसे सवाल जवाब करो। हमने किया और लाइट चालू कर दिया, उस पर हमारे FIR हुआ बोरेली कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग FIR से नहीं डरते, लोगों का काम करेंगे तो उसके लिए डरने का क्या। बहुत बहुत मैं जनता का धन्यवाद करूंगा कि हम लोग ने जो कोरोना काल में मेहनत की है, आज जब भी जाता हूँ बोलते भाई हम लोग ने तुम्हारा काम YouTube से माध्यम से चैनल के माध्यम से तुमको देखा है, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मेरे कोई साथीदार लोग जब लोगों की मदद करने हॉस्पिटल में जाते थे यहीं पे आए, ये कोई गलत है मेरा, वो भी पॉजिटिव हो गया है। हमारे सचिव नयन जी कदम साहब 2 बार पॉजिटिव हो गए, तो इस तरीके से काम किया, लेकिन लोगों की सेवा करते हमने रुके नहीं है। और ये लोगों ने याद रखा है, इस बार बोले नहीं हम बदलाव चाहते हैं। भाई जो व्यक्ति हमारे बुरे वक्त में काम आया हम उसको भी जिताने वाले हैं। आज हर समाज का यहाँ पे मराठी हो, गुजराती भाषी को, हिंदी भाषी को, उत्तर भारतीय या मुस्लिम, सब भी तरीके से बोले नहीं इस बार स्थानिक को दी, क्योंकि स्थानिक ही आदमी हमारे लिए आया, क्योंकि दोनों है वो बाहर के हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 1,15,000 से 20,000 मराठी है, 1,00,000 गुजराती और मारवाड़ी राजस्थानी भाषी के, और मुस्लिम 24,000 है, और उत्तर भारतीय लगभग 75,000 है। इस तरीके से लगभग 3,15,000 का ये मतदार संघ है। लेकिन मैं काम करते हुए मैंने कभी जाति धर्म नहीं देखा है। आज यहाँ पे कितने मुस्लिम भाई भी है, उत्तर भारतीय यादव सब लोग भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, यहाँ भी मधवा के माधवानी समाज दशा सोरठिया ये समाज है अभी आए हुए, वो भी बोलते नहीं हमने तुम्हारा कोविड के हमको बेड बेड तुमने दिलाया है तो हम तुमको मदद करेंगे, वो क्लिप भी है चाहे आपको मैं देता हूँ। वो लोग बोले नहीं जब जरूरत थी तब ये नहीं आए, तुम लोग हमको बेड बेड हॉस्पिटल में दिलाए, इस बार वोट हम तुमको करेंगे। कौन सा भूंगा? देखिए वो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है ना मालूम है आपको? आपको मैं बताता हूँ, देखिए हम लोग
जब भी हम लोग का हिंदुओं का त्यौहार होता है, हमारा गणपति हो, नवरात्रि हो, आप देखो पुलिस लोग सीधा खड़े होते हैं, 10 बज गया बंद करो, इधर सत्यनारायण की पूजा है नहीं बंद करो। अरे हमारा गणपति माँ दुर्गा ये हमारे भगवान है, जहाँ पे बंद हो गया वहाँ से विसर्जन तक हमको चलते लेके जाना पड़ता है। चलते किसको, शांति से किसको लेके जाता है, मैयत को लेके जाता है। ये भगवान हमारी मैयत है क्या? तो लोग हमको पूछते हैं ना, फिर कानून लोग बताते, फिर वो 6 बजे बंद होना चाहिए था, 5 बजे को लोग बोलते क्या करेंगे फिर? तो सरकार ने जब उनको छूट दी है तो हमारे पे भी अनदेखा करो। हमारा गणपति विसर्जन नौ दुर्गा विसर्जन के वक्त हमको बजाते लेके जाने तो काय को हम बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा। फिर जब कानून सबके लिए है तो फिर सबके लिए रखो, यानी कानून हम पे लादा जाता। हमारा त्यौहार होगा, इधर सत्यनारायण की पूजा होगी, आ जाएंगे, नहीं नहीं कॉल आया था, अरे कॉल आया था फिर दूसरा भी आता, तब तुम देखो ना, तुमको किसी हिंदू या मुस्लिम से तकलीफ नहीं। जब हमको तकलीफ दिया जाता, हमारा गणपति विसर्जन नौ दुर्गा विसर्जन के तब हमारा घर भाग्य को 10 बजे बंद होता है, तो फिर हम लोग को गुस्सा नहीं आएगा? तभी पुलिस वालों को समझना चाहिए, भाई छूट दो, जब उनको देता हमको दो, नहीं तो किसी भी धर्म से हमको कोई तकलीफ नहीं है। सर कटेंगे बटेंगे, उस दिन उनको बोलो कैसे भाग गए कटेंगे बटेंगे। वो TV9 का शो था भारतवर्ष, 15 मिनट में वो बीजेपी वाला भाग गया जब मैंने सवाल जवाब किया। बोलता है मैंने बहुत विकास किया है। बोला क्या किया है? तो पोइसर जिमखाना बनाया, उधर एक कमला विहार पार्क बनाया। तो मैंने उसको पूछा, भाई कमला विहार पार्क तो प्राइवेट है, ये जनता के लिए, पोइसर जिमखाना तो BMC का है, जो कब्जा करके बैठे हो, जहाँ पे तुम लोगों को चार्ज लगाता है पोइसर जिमखाना में, तुम लोग मेंबरशिप का पैसा लेते हो, शादी ब्याह के लिए मांगे तो 3 लाख रुपए लेते हो। ये क्या लोगों के लिए किया है क्या? ये तुमने कमर्शियल धंधा बनाया, तुम लोग ने यही सब मैदान गार्डन हड़प करके कमर्शियल धंधा किया, विकास काम किया नहीं है। आज करना चाहिए तो आज चारकोप सेक्टर 1 सेक्टर 2 में सबचान भूमि दो, पानी का दो लोगों के लिए, अगर बच्चे लोगों के लिए आज पढ़ाई का कुछ अभ्यासिका करो। क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। अभी आया, अभी यही छोटा मोटा काम दिखा रहे जो डराने का। अरे जो कोई भी पास होगा अंदर उसको करना है, बस यही, अभी खाली पैसा ही बचा है। लेकिन इस बार पैसा भी लोग लेंगे तो वोट जानते हैं कि ये 5 साल बाद नहीं दिखेंगे। वोट इधर का स्थानिक एक में हूँ जो यहाँ का है, वो दोनों आज भी 15 साल से जीत के भी आज भी चारकोप का नहीं बनना चाहता, मतलब सोचो उसको चारकोप पे क्या प्रेम है।